हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना सतोरी, रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, वीज़ा प्रोफेशनल इनकॉर्पोरेशन से। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कनाडा का स्टडी वीज़ा। कनाडा का स्टडी वीज़ा करने के दो तरीके होते हैं, दो स्ट्रीम्स होती हैं, SDS एंड नॉन SDS। SDS का फुल फॉर्म है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एंड नॉन SDS नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अब SDS में किस तरीके की एप्लीकेशंस जाती हैं और नॉन SDS में किस तरीके से हम एप्लीकेशन डालते हैं, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है टाइमलाइन। SDS के अंदर जोन सी भी एप्लीकेशन जाती है उसकी प्रोसेसिंग का टाइमलाइन है 20 डेज और लेस देन 20 डेज, वेयरएज जो आपके नॉन SDS के थ्रू एप्लीकेशन जाती हैं उनका टाइमलाइन मैक्सिमम 60 डेज है। SDS एप्लीकेशन मेनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें कि आपने अपने जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपफ्रंट अपलोड करने पड़ते हैं, जिस तरीके से आप कह सकते हैं आपकी GIC जो कि 10,000 है, 10,000 कैनेडियन डॉलर है, और आपका अपफ्रंट मेडिकल, आपने एक साल की ट्यूशन फ़ी अपफ्रंट पे करनी होती है, और आपका IELTS स्कोर यहाँ पे बहुत मायने रखता है जिसमें कि आपके 6 बैंड ईच आने चाहिए, लिसनिंग 6, रीडिंग 6, स्पीकिंग 6 एंड राइटिंग 6 एंड ओवरऑल 6। जब हमारे ये सारे मापदंड पूरे हो जाते हैं तो फिर इन सब ऐसी एप्लीकेशन को हम SDS में डालते हैं। वेयरएज नॉन SDS की जो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन होती है वो आप पेपर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बट जो ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो मैं दोबारा से बात करूँगी, वो है प्रोसेसिंग टाइम। नॉन SDS की जो एप्लीकेशन जाती है वो 60 डेज से पहले उसका डिसीजन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप 60 डेज से पहले उसे ट्रैक नहीं कर सकते। और एक और चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि नॉन SDS एप्लीकेशन में 6 ईच बैंड्स होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके किसी में एक मॉड्यूल या दो मॉड्यूल्स में 5.5 बैंड भी हैं तो भी आपका स्टडी वीज़ा एक्सेप्ट हो सकता है, बशर्ते कि आपने फ़ाइल किस तरीके से लगाई है। अब बात आती है आपकी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन की। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें कि स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, एक में 5.5 है, रिफ्यूज़ हो गया है, 6 ईच वाले भी होते हैं, SDS वाले भी होते हैं जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब ये कहाँ पे रिफ्यूज़ हो रहे हैं, क्या इनमें कमियाँ रह जाती हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। हर एक एप्लीकेशन अपने में एक यूनिक एप्लीकेशन है, उसकी अलग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी अलग स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होता है, उसका अलग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है और उसकी अलग एक्सप्लेनेशन होती है। तो अगर आप किसी जानकार के पास जाएं, किसी एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड कंसल्टेंट के पास जाएं, वही एक अच्छी आपको सलाह दे सकता है। और जिसको कनेडियन इमिग्रेशन लॉ की समझ नहीं है तो वो आपकी एप्लीकेशन में बारीकियां नहीं ढूंढ सकता और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के उस ऊपर उस हिसाब से काम नहीं कर सकता जिस हिसाब से एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट करता है। एज आई एम अ रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑथराइज बाय ICCRC एंड IRCC कनेडियन इमिग्रेशन बॉडीज, वी हैव मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू रेगुलर एजेंट्स इन आवर कंट्री टू फाइल अ केस and to file a case with proper documentation and proper use of rules and regulations of Canadian immigration. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और अपनी फ़ाइल को इस तरीके से मजबूत करें कि वो आपकी फ़ाइल में कोई कमी ना रहे और वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट कर दे। आज अगर हम इमिग्रेशन मार्केट को देखें और ख़ासकर स्टडी वीज़ा की मार्केट को देखें तो ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। ये रिफ्यूज़ल्स क्यों आ रही हैं, इनके क्या रीज़न्स हैं, इसको पता करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें एग्जैक्ट ऑफिसर के कंसर्न्स नहीं पता चलेंगे, हमें एक एप्लीकेशन के ऊपर रेड फ्लैग्स नहीं पता चलेंगे, तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो उस एप्लीकेशन को दोबारा प्रेजेंट कैसे करना। जब भी हम कोई रिफ्यूज्ड केस लेते हैं तो हम उसके केप्स नोट्स निकालते हैं, और केप्स नोट्स ज़्यादातर आजकल देखने में आ रहे हैं कि बड़े ही छोटे छोटे रीजन्स के करके आपके स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें तो किसी फाइल में फिनेंशियल की प्रॉब्लम आ रही है, किसी फाइल में आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी फाइल में आर्गुमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये
सारी चीज़ें जब तक आप नहीं जानेंगे, और अगर आप किसी अनएजुकेटेड या फिर नॉट वेरी एक्सपर्ट पर्सन से अगर आप फाइल लगाएंगे तो आपको ये मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग विद अस एट वीज़ा प्रोफेशनल्स इनकॉर्पोरेशन एंड आर ब्रांच ऑफिस स्टडी एंड इमिग्रेट टू कैनेडा एट रैया. हमारे पास अकाउंटेंट्स भी हैं जो आपके अकाउंटिंग की फाइल्स, आपके फिनेंशियल्स देखते हैं, और हमारे पास हमारे केस प्रोसेसिंग ऑफिसर्स हैं जो बड़ी बारीकी से आपका एक एक डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं. मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वाले दर्शक हमारे पास एक बारी कंसल्टेशन के लिए आएँ. आप नया अपना वीज़ा लगाना चाहते हैं, फ्रेश वीज़ा लगाना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई रिफ्यूज़ केस है, आप एक बार हमारे ऑफिस में आएँ जो कि जीटी रोड रैया में बेस्ड है. हमारी ब्रांच ऑफिस का नाम है स्टडी एंड इमिग्रेट टू कैनेडा, जीटी रोड रैया. हमारा हेड ऑफिस वीज़ा प्रोफेशनल्स इनकॉर्पोरेशन ब्रैम्पटन ओंटेरियो कनाडा में बेस्ड है. आप कभी भी हमसे कंसल्टेशन लेने के लिए आ सकते हैं इंडिया में, और अगर आप कनाडा में भी हैं तो आप कनाडा के रिलेटेड सर्विसेज हमें ब्रैम्पटन के ऑफिस में आके ले सकते. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.visaprofessionals.ca और ईमेल योर क्वेरी एट info@visaprofessionals.ca. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6479615022 और हमारा इंडिया नंबर है 8196968585. आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं. हमारी कंपनी का नाम है visaprofessionals.ca. इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर फेसबुक पेज. थैंक यू.